द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। दो वाहन चोर जो बड़े वाहन चोर हैं उसको दादरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लगभग 11 मोटरसाइकिलें उनकी निशानदेही पर बरामद की हैं। और इसी क्रम में एक ये पूरा गैंग का खुलासा हुआ है जिसमें दो अभियुक्त हमने वांछित भी किए हैं। ये दो अभियुक्त वो हैं जो इनके इनमें से एक मुख्य अभियुक्त का संबंधी भी बताया जा रहा है और ये बिचौलिए का भी काम करता था जो मोटरसाइकिल सस्ते दामों पर थर्ड पार्टी को बेचते थे। और इनका अच्छा खासा लंबा एक आपराधिक इतिहास भी है, आपको प्रेस नोट में जैसा कि दिखेगा ये वाहन चोरी में वाहन लूट में पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। सर हथियार क्या क्या बरामद हुआ है? कुछ ऐसे लोग जिनसे ये नंबर प्लेट वगैरह फर्जी बनाते थे या डॉक्यूमेंट बनाते हों, कुछ ऐसे लोग ट्रेस हो पाए? देखिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स की बात तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ इनके पास फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं, तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा उस पर भी लिखा हुआ है। साथ ही चेकिंग के दौरान जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास तमंचा भी बरामद हुआ, 315 बोर के 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए। पहले भी इन लोगों ने चोरी की होगी, कुछ ऐसा पता लगा है कहाँ इन्होंने ठिकाने लगाई थी गाड़ियों? अभी तक जो बात आ रही है हम इसको बैक ट्रैक करने में सेकंड पार्टी तक ही पहुंच पाए हैं जो बिचौलिए का रोल निभाते थे, बाकी जब वो गिरफ्त में आएंगे तो हम इसको आगे और डेवलप करेंगे। सर 11 मोटरसाइकिल मिलना बड़ी बात है, 2006 से बता रहे हैं ये लोग लगातार इस घटना को अंजाम